हाय गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस तो आज की हमारी रीडिंग है कि ईश्वर की नज़रों में आप कैसे हो, ईश्वर की नज़र में आप किस तरह के इंसान हो। ओके, यही आज की हमारी रीडिंग है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल रखे है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये येलो, सेकेंड पाइल है रेड और थर्ड पाइल है ग्रीन। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। गाइस जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है, उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है येलो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है तो वो आपकी नज़र में कैसे है, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। सिक्स ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फाइव ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर, ओके, यूनिवर्स डिवाइन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, दैट ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट कार्ड हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है तो ईश्वर की नज़र में आपकी नज़र में वो कैसे है। फाइटिंग, ओके, एक्सपीरियंसिंग, कंपैरिजन, इन अ वॉइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अवेयरनेस। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, जस्ट वन मिनट गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुएल, सोलर प्लेक्सस चक्र गाइस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, एंजल ऑफ लव और लास्ट कार्ड हमारे पास है सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रीट्रॉन थर्ड आई चक्र। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल हार्ट चक्र गाइस। ओके, यहाँ से देखते हैं गाइस आपके कर्मा से भी पता चलेगा कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे हो। ओके, यूनिवर्स डिवाइन फाइल वन ट्रैवलर मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, सोल इन मास्टर मेक प्लान्स एंड फोकस, फायर गार्डन इग्नाइट योर पैशन, लास्ट कार्ड हमारे पास है हर्मिट रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई प्रेस्टेज हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस। ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे हो। ओके, यही हमारा सवाल है, तो मैं आंसर करना चाहती हूँ गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा उलझन में रहने वाले पर्सन हो। ओके, उलझन में रहने वाले पर्सन हो का मतलब होता है गाइस कि कभी कभी आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो। आप देख सकते हो दो कार्ड हमारे पास आए, सिक्स ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड और सिक्स ऑफ वॉन्ड।
ये तीनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा उलझन में रहने वाले इंसान हो, कि आप कभी कभी ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो और उनको आपकी नज़र में ऊंचा दिखाते हो, लेकिन कभी कभी आप ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानते हो। ओके, तो ईश्वर की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ईश्वर मानते हैं कि आपको जब मेरी ज़रूरत होती है तब आप मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, मेरी बहुत ही ज़्यादा मुझे याद करते हो, मुझ पर भरोसा रखते हो और आगे भी बढ़ते हो। लेकिन जब आपको लगता है कि मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है और मैं अपनी लाइफ में अच्छी तरह से नहीं जा रहा हूँ, तब आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, उनको बार बार यही जताते हैं कि आप तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, इस तरह से आप बोलते हो। फाइव ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ कप की एनर्जी यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स को ब्लेम करते हो, ईश्वर को ब्लेम करते हो। ओके, ईश्वर की नज़र में आप कैसे हैं, यही आज का सवाल है गाइस। तो गाइस, यहाँ हमारे पास कार्ड आए हैं लवर्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दी हाई प्रिस्टेस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है गाइस, ये कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आपकी लाइफ में ये द लवर्स, फाइव ऑफ कव और डेथ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो यही बताता है गाइस कि आपकी लाइफ में प्यार को लेकर कभी कभी उलझने होती ही रहती है। ओके, प्यार यानी इमोशनल ज़रूरियात जब आपको मिलती है तब आपको ईश्वर याद आते हैं, आपको जब इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है तब आप भूल जाते हो ईश्वर को। ओके, तो ईश्वर के ये भी सोचते हैं कि ये कैसा इंसान है, जब इसको कुछ मैं देता हूँ तब इसको बहुत ही अच्छा लगता है, जब मैं इसको कुछ नहीं देता हूँ या फिर थोड़ी मेहनत करने के लिए बताता हूँ या अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ, एक अच्छी सिचुएशन देता हूँ जिससे वो बाहर निकलकर और अच्छा इंसान बन सके, इस तरह से मैं कुछ भी इनके लिए करता हूँ तब वो मुझे याद नहीं करता। हाँ, इसके पास जब अबंडेंस आ जाती है तब मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इस तरह से ईश्वर आपके बारे में सोचते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दी हाई प्रेस्टेज, टावर, तीनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आप हाई प्रेस्टेज की एनर्जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा भगवान में बिलीव रखने वाले पर्सन एक वक्त के लिए। ओके, लेकिन फिर से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाते हो, जिसमें आप टावर के साथ कॉम्बिनेशन यही बताता है कि आप, आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही हो, आपकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही हो, तो आप बैठ जाते हो और चुपचाप रोने लगते हो या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, परेशान रहते हो और बहुत ज़्यादा ईश्वर को बुरा भला बोलते हो। ओके, इस तरह से है। तो आपका नेचर बार बार वोल्टास की तरह चेंज होता रहता है। ओके, यहाँ फाइटिंग और एक्सपीरियंस, तो गाइस ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है कि आपकी लाइफ में जब फाइटिंग यानी कि चुनौतियाँ आती है कुछ भी सिचुएशन को लेकर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ तकलीफें आती है, परेशानी आती है, और उससे बाहर निकलने के लिए ईश्वर आपको इंस्पिरेशन भी देते हैं, फिर भी आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हो कि ये कैसे मेरी लाइफ में सिचुएशन आपने दे दी है, मैं तो इससे बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ, आप किस तरह से मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप तो जब देखो तब मेरी लाइफ में परीक्षा ही देते रहते हो, इस तरह से आप उनको ब्लेम करते हो। ओके, यहाँ कंपैरिजन और इनर वॉइस, तो इनर वॉइस का कार्ड भी यही बताता है गाइस कि एक पल के लिए आपकी जो ईश्वर के लिए जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं, कि आप ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास करते हो और बहुत ज़्यादा उसकी एक प्रोटेक्शन के अंदर जीने की कोशिश करते हो और बहुत ज़्यादा आप यूनिवर्स को, ईश्वर को याद करते हो। ओके, फिर दूसरे अगले ही पल आप कंपैरिजन में आ जाते हो। कंपैरिजन का मतलब है कि
आप बार बार ईश्वर को बताते हो कि आप तो बस मेरी परीक्षा ही लेते रहते हो, मेरे लिए आपको कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं देना है, तो फिर बार बार मुझे विश्वास दिलाती हो कि मैं आपके साथ हूँ, और फिर आप ही मुझे मेरी लाइफ में इतनी बड़ी और ख़राब सिचुएशन दे देते हो जिससे मैं बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए रह जाता हूँ, और मुझे इसमें कितना वक्त निकल जाता है, इस तरह से भी आप उनको कहते हो। कभी कभी आपका बिलीव बहुत ही ऊंचा हो जाता है, फिर अगले ही पल नीचा हो जाता है। ओके, इस तरह से आप ईश्वर के लिए आपके जो एक मायने हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, ओके, बदलते रहते हैं, तो ईश्वर आपको इस तरह के इंसान देखते हैं। ओके, यहाँ गाइस आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी बहुत ही बढ़ जाता है। ओके, जब आपके पास पैसे हो, जब आपके साथ एबंडेंस हो, बहुत सारी खुशियाँ हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अगले ही पल वो कुछ आपके पास कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है या कुछ नहीं होता है, तब बहुत ही ज़्यादा ईश्वर को कुछ ना कुछ सुनाते हो। ओके, एंजल ऑफ लव और थर्ड आई चक्र, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स को प्यार करते हो, उनको अपना मानते हो, उनकी हर कसौटी में पार निकलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हो, हर परीक्षा में पास हो जाए, हर सिचुएशन से बाहर निकल आए, हर चुनौतियों को पार करके बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हो, और आपका जो ये नेचर है कि मेरे ईश्वर को मैं ब्लेम भी कर सकता हूँ, वो मेरे दोस्त की तरह है, वो मेरे फ्रेंड की तरह है, मैं इसको प्यार भी करता हूँ तो मैं इसको कुछ ना कुछ सुना भी सकता हूँ, जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं होगी तो मैं इसको कुछ ना कुछ सुनाऊँगा। ओके, इस तरह से आप अपने ईश्वर के साथ बातचीत करते हो अकेले में। ओके, तो गाइस आप अपने ईश्वर को लेकर बहुत ही ज़्यादा आपका एक विश्वास है, कभी कभी आप उनसे रूठ भी जाते हो और कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इस तरह से ईश्वर के मन में आपके लिए आप किस तरह के इंसान हो वो मैं बता रही हूँ। ओके, तो ईश्वर के लिए आप एक दोस्त की तरह हो, कि एक दोस्त अपनी शिकायत भी कर सकता है अपने दूसरे दोस्त से, और कुछ कमी हो तो कह भी सकता है, उससे सुधारने की कोशिश भी कर सकता है, वो प्यार देता है तो वो प्यार भी लेता है, और कभी कभी कुछ ऐसी शिकायत होती है तो कि तुम तो मुझे दूसरे फ्रेंड को आप कहते होंगे, दो फ्रेंड है गाइस, तो वो दूसरे फ्रेंड को कहते हैं कि तुम तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हो, मुझे साथ ही नहीं देते हो, मुझे पैसे की भी मदद नहीं करते हो, किसी भी तरह की हेल्प नहीं करते हो, इस तरह से जैसे दो दोस्त बात करते हो, इस तरह से आप अपने ईश्वर के साथ दोस्त की तरह रहते हो, तो ईश्वर के लिए भी आप, ईश्वर की नज़र में भी गाइस आप एक अच्छे इंसान हो। ओके, जो शिकायत भी करता है लेकिन अपना विश्वास भी नहीं छोड़ता है, लेकिन आपकी जो एक विश्वास की एक जो एक प्रक्रिया है के मायने हैं ईश्वर को लेकर, वो बदलते रहते हैं। ओके, आज आपकी सिचुएशन नहीं अच्छी तो आप बहुत कुछ उनको सुनाओगे, दूसरे पल आपकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो तो आप उनको बहुत ज़्यादा मानोगे, उनकी पूजा करोगे, उनको थैंक यू कहोगे, उनका बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करोगे, इस तरह से आप रहते हो। अब ये जो आपके कर्मा के कार्ड है गाइस, वो भी यही दिखाते हैं, यहाँ फायर गार्डन आया है, ये कार्ड आपकी एक हायर एनर्जी को दर्शाता है गाइस। ओके, कि आपकी हायर एनर्जी जब होती है, जब आप स्टार की तरह चमक रहे होते हो, कि आपके पास सब कुछ होता है, तब आप फायर गार्डन की एनर्जी में आ जाते हो। ओके, और तब आपके लिए ईश्वर सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, और ईश्वर को इतना ज़्यादा तब आप याद करते हो, इतना ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करते हो,
और उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहते हो। अब ये सील मेडियन, ये कार्ड आपकी एनर्जी को ये बताता है गाइस कि आप जब बहुत ज़्यादा अपनी परीक्षा दे रहे होते हो, परीक्षा यानी अपनी चुनौतियों के साथ लड़ रहे होते हो, तब आप इस तरह से इस तरह की पावर में आ जाते हो। ओके, अपने आप को कवरअप करते हो, ओके, जिससे कोई आपके ऊपर इतना ज़्यादा किसी भी तरह आप फंस ना जाओ कोई सिचुएशन में। दूसरों से बचने के लिए अपने आप को कवरअप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हो। ओके, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा ईश्वर मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है, तभी तो मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, कवरअप कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपने आप को, यहाँ ट्रैवलर का कार्ड है गाइस, तो आप हर बार, आपकी शिकायत रहती है कि ईश्वर आप तो मेरी ही परीक्षा लेते रहते हो। आपकी लाइफ में बहुत बार चेंजेस आते ही रहते हैं और बहुत सारी सिचुएशन आपको मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, और आपको बहुत सारी सिचुएशन परीक्षा इसलिए देते हैं जिससे आप उसमें पास हो और आप बहुत ही ज़्यादा ऊँचे इंसान बनो। इस वजह से आपके लाइफ में बार बार चुनौतियाँ चेंज आते ही रहते हैं गाइस। ओके, ट्रैवलर का कार्ड यही बताता है। तो भगवान आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं गाइस। परीक्षा लेते हैं का मतलब है कि आपको एक सिचुएशन देते हैं जिससे आपको लड़ना है, उससे सीखना है और उससे आगे बढ़ना है, जिससे आप आगे चलकर बहुत ही अच्छे इंसान बनो। ओके, और हर्मिट का कार्ड ये बताता है गाइस कि आपको ईश्वर इस नज़र से देखते हैं कि आपको विश्वास है कि मेरे साथ गॉड है, मेरे साथ ईश्वर है। आपका विश्वास खाली नहीं जाता है। खराब सिचुएशन में आप कितनी भी शिकायत कर लो, फिर भी लास्ट में, आखिर में आप ईश्वर को ही याद करते हो और फिर याद करके कहते हो कि हे ईश्वर, मुझे इस चुनौती को पार करने की शक्ति दो, एक क्षमता दो, और मुझे इससे बाहर निकलने की एक सूझबूझ दो, एक अकल दो, एक बहुत ही अच्छी बुद्धि दो, जिससे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल आऊँ। इस तरह से भी आप ईश्वर को कहते हैं। ओके, तो ईश्वर की नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा एक भक्तिशाली इंसान हो, एक डेवोटेड पर्सन हो। ओके, जिसके अंदर ईश्वर को मानने की, ईश्वर को साथ लेकर चलने की एक क्षमता है, एक एबिलिटी है, जिसको आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। ओके, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आप अपने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। हाई प्रिस्टेस, इनर वॉइस, द लवर्स, ये सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, थर्ड आई चक्र, एंजल ऑफ लव, फायर गार्डियन, हर्मिट, ट्रैवलर, गाइस इतने सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं गाइस। तो ये कार्ड यही बताते हैं कि आपकी लाइफ में कितने भी ऐसी चुनौती आ जाए, कितनी भी अच्छी या बुरी सिचुएशन आ जाए, आप अपने गॉड के ऊपर जो बिलीव है आपका, वो आपका कभी भी नहीं दूर होगा। आप पूरी लाइफ अपने गॉड के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते ही रहोगे, और आप गॉड को ये भी कहोगे कि आपने जो मुझे ये मेरी लाइफ में बार बार जो परीक्षा कसौटी आप लेते रहते हो, इससे ही मैं आज अभी इतना मजबूत और स्ट्रांग बना हूँ, ये भी आप कहते हो गाइस। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है रेड, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि ईश्वर की नज़र में वो कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल,
एट ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, फाइव ऑफ सॉर्ड, दी हाई प्रेस्ट, सॉरी दी हेरोफंट, ओके, एट ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके, जस्ट वन मिनट गाइस, चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू ईश्वर की नज़र में वो कैसे है, आपकी नज़र में वो कैसे हैं। पेशेंस, दिस सोर्स, इंट्रीगेशन, बहुत ही बढ़िया, फ्रेंडलीनेस, गाइस आप ईश्वर को दोस्त की तरह मानते हो, क्रिएटिविटी, आप उनको दोस्त मानते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, एंजाइटी, ओके, इस वजह से हमारे पास फाइव ऑफ सॉर्ड आया है गाइस, वुमन होल्डिंग द हार्ट, डोर टू स्पिरिट, हीलर ऑफ दीजिस, बहुत ही बढ़िया गाइस, आपके कार्ड सुपर्ब है सीरियसली। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुएल, सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके कर्मा के कार्ड से भी पता चलेगा गाइस कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे हो। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, बहुत ही कूल, सन, ओके, वाटर गार्डियन, कनेक्ट योर विथ योर इमोशंस, लास्ट कार्ड हमारे पास है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही बढ़िया, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, तो हीलिंग के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं गाइस, ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ ये रीडिंग तो शॉर्ट ही होगी गाइस, क्योंकि आप तो अपने ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड की तरह देखते हो, ओके, आपके लिए ईश्वर दोस्त की तरह है, ओके, इस वजह से हमारे पास जो कार्ड आए हैं पॉजिटिव वो बहुत ही ज़्यादा है गाइस, ओके, हाँ कभी कभी आपका मन डगमगा जाता है अपने ईश्वर को लेकर, लेकिन आपका विला, आपका जो एक विश्वास है वो कभी भी डगमगाता नहीं है, ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे इंसान हो, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड और टेन ऑफ सॉर्ड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बताता है गाइस कि जब आपकी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी या फिर अच्छी नहीं रहती है, तब आपको लगता है कि मैं अपने आप को स्टक महसूस करता हूँ, अपने आप में एक रुका हुआ महसूस करता हूँ या करती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊँ, तब मुझे आपका ख्याल आता है, तब मुझे गॉड आपकी याद आती है, तब मुझे रोना भी बहुत आता है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो तो मेरी हर मुश्किलों को आप आसान कर दोगे, इस तरह से आप उनको कहते हो अपने ईश्वर को, ओके, और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड, दी हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है गाइस कि आपके अंदर जो हेरोफेंट यानी गाइस बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी इंसान, एक नॉलेजफुल इंसान जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, और वो अपने ज्ञान के ज़रिए ही अभी तक यहाँ तक पहुँचा है, ओके, तो गाइस आप ईश्वर को जब भी आपके लाइफ में कुछ बुरी सिचुएशन आती है और पेज ऑफ पेंटिकल में जब आप आ जाते हो, पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है गाइस कि जब आपको लगता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, या मुझे अभी नहीं फैसला लेना चाहिए, अभी मुझे रुक जाना चाहिए,
तब आप अपना दिमाग बहुत ही अच्छी तरह से लगाते हो और अपने ईश्वर को याद करते हुए कहते हो कि मुझे अभी जो मेरी सिचुएशन है उसमें मुझे अभी डिसीज़न नहीं लेना है, रुकना है, तो मैं रुकता हूँ ईश्वर, आप मुझे संभाल लेना। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो गाइस, आप ईश्वर के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत करते हो और आप उनको दोस्त मानते हो और उनके साथ अपने सारे सिचुएशनों के लिए बातें करते हो। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप उनके साथ बातचीत करते हो और उनको कहते हो कि मेरी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल ठीक नहीं है, मैं अभी रुकना चाहता हूँ, तो आप मुझे संभाल लेना किसी भी तरह और मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करना। इस तरह से आप उनको कह देते हो, फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखते हो। आपका खुद के ऊपर विश्वास और अपने यूनिवर्स के ऊपर जो बिलीव है वो नहीं जाता है, कहीं भी नहीं जाता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड और एट ऑफ वॉन्ड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है गाइस कि जब आपको लगता है, आप जब एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ जाते हो, तब आप पूरी तरह से चारों ओर से फंसा हुआ अपने आप को महसूस करते हो, चाहे वो वर्क प्लेस के थ्रू हो या फिर अपनी फैमिली की सिचुएशन को लेकर हो या फिर आपकी सोशल लाइफ में कोई भी सिचुएशन को लेकर हो या फिर अपने फ्रेंड में ही कोई सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करते हो, तब आप एट ऑफ वॉन्ड की तरह कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हो, होप नहीं छोड़ते हो। आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा है, विश्वास से कि ईश्वर मुझे अभी ये सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो इससे बाहर निकलने का मुझे कुछ ना कोई ना कोई रास्ता दो, किसी भी तरह का रास्ता दिखाओ मुझे, मुझे आप इंस्पिरेशन दो जिससे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल आऊँ। आप एट ऑफ वॉन्ड की फास्ट एनर्जी में आ जाते हो। फास्ट एनर्जी का मतलब है कि आपका विश्वास तब आपके ईश्वर के ऊपर हाई हो जाता है, ओके, बहुत ही ऊंचा और बड़ा हो जाता है। आप डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, आपकी जितनी ख़राब सिचुएशन होती है उतना आपका विश्वास अपने यूनिवर्स के ऊपर बहुत ही बड़ा हो जाता है, ना कि नीचे हो जाता है, ओके। और पाइल वन में था कि उसके सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही हो तो वो नीचा हो जाता है, लेकिन आपका बहुत ही हाई हो जाता है, आपका बिलीव सिस्टम इतना ज़्यादा ऊंचा हो जाता है और आप ईश्वर को कहते हो कि आप जो अभी मेरी ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेरी मदद कर रहे हो और मेरी कसौटी ले रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो, इससे तो मैं बाहर निकल कर ही रहूँगा किसी भी तरह, और आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। इस तरह से आप अपने आप को और ईश्वर को कहते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वॉन्ड और टेन ऑफ वॉन्ड, तो आपको कभी कभी लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को ईश्वर देते हैं जिसके पास इतनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी होती है, ओके, ये आपने देखा ही होगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जिसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है वो ऐसा वैसा इंसान तो नहीं ही होगा। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके, ओके। और आप जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब भी आप ईश्वर को कहते हो कि आपने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो एक अच्छी तरह से मुझे चुना है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे चुना है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझ में ऐसी कैपेबिलिटी तो होगी ही, इतनी अच्छी क्वालिटी तो होगी ही कि आपने मुझे चुना है ना कि दूसरे लोगों को। इस तरह से आप अपने यूनिवर्स को कहते हो, ईश्वर को कहते हो, और आप बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हो गाइस, ओके। आपको लोग जब कोई भूखा होता है या फिर जानवर भी भूखे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है, ओके। आपको जब किसी भी तरह के इंसान
जब इसके पास कुछ नहीं होता है तो आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ जाती है और आप उनको हेल्प भी करते हो अपनी तरफ से, ओके। लेकिन इतनी ज़्यादा भी इस तरह से भी नहीं हेल्प करती हो कि वो अपनी मेहनत या अपना विश्वास ही घुमा दे, ओके। और ये आपके अंदर एक सूझबूझ है, समझ है कि मुझे किसी को कितना देना है जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपनी खुद की मेहनत से आगे आ सके, ओके। कोई इंसान ऐसा हो जिससे मेहनत नहीं होती हो, उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है और आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो और उनकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश भी करते हो, ओके। पेशेंस और द सोर्स। तो गाइस, मैंने आपको आगे ही कहा कि 10 of Swords की एनर्जी होती है कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ही हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है, ओके। तो सोर्स का कार्ड यही बताता है गाइस कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है और उस अपॉर्चुनिटी को आपको किस तरह से लेना है वो आपको भली भांति पता है। आपके अंदर एक ठहराव है, एक पेशेंस है, एक सब्र है, ओके। वो ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है आप में कि आप बहुत ही पेशेंस के साथ इंतज़ार करने वाले एक इंसान हो। आपके अंदर ये सब्र है तभी तो आप इतने सारे चुनौतियों का सामना बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो, वरना कोई जल्दबाजी करने वाला इंसान हो तो इससे इन सारी सिचुएशन में वो डगमगा जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है और किसी को कुछ ना कुछ बोलने लगता है, गुस्सा हो जाता है इस तरह से। लेकिन आपके अंदर एक सब्र है, एक पेशेंस है। यहाँ इंटीग्रेशन का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है गाइस, ओके। ये कार्ड ये बताता है कि आपका भरोसा, आपका बिलीव अपने ईश्वर के प्रति इतना ज़्यादा है कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, आप अपने आप को कहते हो कि मेरा ईश्वर मेरे साथ ही है तो मैं इस सिचुएशन में, इस परीक्षा में भी पास हो जाऊँगा, इस कसौटी में से भी बाहर निकल आऊँगा। और लास्ट में कार्ड है फ्रेंडलीनेस। तो आपके लिए आपका ईश्वर, आपके गॉड एक दोस्त की तरह है, ओके। एक फ्रेंड हो, एक परिवार की तरह हो, एक फैमिली पर्सन की तरह है जिसके साथ आप अपनी सारी जो भी दुविधा है, जो भी अच्छी बात है, बुरी बात है, उनके साथ शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो। एंजाइटी और वुमन होल्डिंग ऑफ हार्ट। तो आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। तो एंजाइटी के साथ कॉम्बिनेशन में यही बता रहे गाइस कि आप कभी भी अपनी परेशानियों से दुखी नहीं होते हो, ओके। टूट नहीं जाते हो, कमज़ोर नहीं पड़ते हो।